है गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरुकुल। और आपको पता है जैसे हम यूपीएससी मेंस के जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 महीने तो कम से कम चलेगी आंसर राइटिंग, और बाद में भी अगर सही चलता रहा तो ये आंसर राइटिंग बाद में भी चलती रहेगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप कितना देखते हैं, कितने आंसर भेजते हैं। देखते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप आंसर भेजते रहेंगे, क्वेश्चन लिख लिख के भेजते रहेंगे, तो मैं जो है इसको डिस्कस करता रहूंगा। एक लास्ट चीज़ और बतानी थी, ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा आपका, 20 सेकंड और लूंगा। कि देखिए, आप जो आंसर भेजते हैं, आज भी मेरे पास कुछ लोगों ने आंसर भेजे जो आप पिक्चर भेज के, जो सिंपल जो है पिक्चर की फॉर्म में भेजते हैं, तो पिक्चर की फॉर्म में जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं आता, और जब तक मुझे क्लियर नहीं समझ आएगा, मैं लोगों को जो है आपका आंसर कैसे पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आप क्या, कल भी मैंने बोला था कैम स्कैनर लीजिए, या फिर कोई और भी आपके पास स्कैनर, तो कैम स्कैनर लेके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पिक्चर में आपको मान लो पूरे क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगते हैं, तो कैम स्कैनर में 15 सेकंड लगेंगे, इतना ही फर्क है। बट उससे क्या होगा, आप पूरी प्रॉपर चीज की जो है पिक्चर आएगी, इधर उधर का आप कट कर सकते हैं, और फाइनल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर अगर समझ नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए डिस्कस करते हैं। एक चीज और बतानी थी, वो मेरे दिमाग से जो है निकल गई अभी, क्या बताना था, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले 3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको लिख के भेजने हैं, ये मंडे को डिस्कस करेंगे। हाँ, कल का मैं आपको बताना था, कल क्या करेंगे, कल हम करने वाले हैं जो आंसर बचे हुए हैं जिन लोगों ने और भेजे हैं, जो आज की वीडियो में कवर नहीं होंगे। कल देखिए, कोई क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन ही लिख सकते हैं जो मैं आखिरी क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलावा कल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। कल आप जो है अपना रिवाइज कीजिए, जो जो क्वेश्चन पूरे हफ्ते कराए गए हैं उन्हीं को लिख के देखिए, उन्हीं को दोबारा लिखिए, या फिर उनमें कोई नई चीज करती है तो उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी तैयारी चल रही है, प्रीलिम की वगैरह की जो भी तैयारी चल रही है, वो साथ में रखिए। हम मंडे टू फ्राइडे ये रखेंगे, और सैटरडे को जो भी कोई आंसर जिसके भी बचे होंगे उस पूरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में जो है मैं पवैड की भी जो है वीडियो बना रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैप की पूरी वीडियो बना चुका हूँ, वर्ल्ड के मैपिंग आप वो देखिए, जो है प्रॉपर कॉन्टिनेंट वाइज मैंने बनाई हुई है, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं 6th क्लास 7th क्लास के, ठीक है, और इकोनॉमिक्स की वीडियोज बनाई, तो आप देखिए एक बार, आपको काफी वीडियोज बनेगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये मंडे को क्वेश्चन लिखने, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये पेपर थर्ड से है, क्वेश्चन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर इज इनएविटेबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल जस्टिफिकेशन। ये कहते हैं कि देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर पता है आपको जो है कितना ज्यादा एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि चाहिए 2 लोगों का काम, लेकिन वहां 10-10 लोग लगे हुए हैं उसी खेती के अंदर, उसी जमीन के अंदर। तो ये कहते हैं कि देखिए, एग्रीकल्चर की के अंदर जो जॉब है उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यानी कि अलग अलग चीजों में, ठीक है, एनिमल रेयरिंग हो गया, और भी चीजें हो गई, कॉमर्शियल क्रॉपिंग कुछ भी हो गया, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और सेक्टर्स में भी जो है उसको, जैसे फूड प्रोसेसिंग में आप एग्रीकल्चर काम करते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में भी साथ में आपने खोल लिया, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है रूरल इकोनॉमी को और तेजी से ग्रो करने के लिए, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल्स का जस्टिफिकेशन देना है 250 वर्ड्स में। पेपर 4 का एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनी 5 नेचुरली एक्सेप्टेबल फीलिंग इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है इसके लिए आपको कोई कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। एक इंसान इंसान के बीच में एक नेचुरली एक्सेप्टेबल फीलिंग्स कौन सी होती है, ठीक है, बहुत सी होती है, लव हो गया, केयर हो गया, अफेक्शन हो गया, ठीक है, फेथ हो गया, बहुत चीजें होती है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आप इसके बारे में लिखिए। ह्यूमन बहुत जो जरूरी नहीं है कि आपको, या फिर कुछ भी है, जो भी 5 फीलिंग आपको लगती है उसको डिस्क्राइब करना है 250 वर्ड में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको मुझे लगता है इसको डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन आप क्वेश्चन भेजेंगे, आंसर भेजेंगे तो वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। पेपर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, इंडिया नीड्स टू शिफ्ट टुवर्ड ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अलोंग विद द एग्जिस्टिंग स्वच्छ भारत मिशन एंड लुक बियॉन्ड टॉयलेट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, जो स्वच्छ भारत मिशन का एम है कि टॉयलेट्स और जो नॉर्मल स्वच्छता के लिए, उसके अलावा हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है 250 वर्ड में, ये मंडे को हम क्वेश्चन इसके मॉडल आंसर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या आंसर लोगों ने भेजे हैं। देखिए ये आंसर मेरे पास पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दो नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर परसीव्ड एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन था कि जो हमारी डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, आपको पता है कोर्ट के अंदर, लेकिन ये एक तरह से आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आत्मा है ये, ठीक है, हार्ट एंड सोल भी कह सकते हैं, और ये फंडामेंटली जरूरी है गवर्नेंस सिस्टम के, कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम के लिए, तो इसके ऊपर कमेंट करना था, ये क्वेश्चन था। इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इन्होंने पहले बताया डीपीएसपी क्या है, आर एनुमरेटेड
स्टेटेड इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। बहुत अच्छे से यहाँ इंट्रो कर दिया इन्होंने, दीज आर ऑल्सो नोन एज नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रो दिया है, इस इतना ही बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को। अब ये कहते हैं वाई डी पी एस पी आर नॉट एनफोर्सेबल। देखिए कहते हैं इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री एंड ऑल्सो सम ऑफ द सेक्शन आर बैकवर्ड। ठीक है, सम ऑफ द सेक्शन आर बैकवर्ड, सम ऑफ द सेक्शन ऑफ, यहां देखिए थोड़ा सा लिखा है सम ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे करके लिखना चाहिए। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। आप ठीक लिख रहे हैं लेकिन और इंप्रूव के लिए आप पढ़िए, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर बैकवर्ड, ये करके लिखेंगे तो थोड़ा सेक्शन आर बैकवर्ड मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट है यहां पे। इसके अलावा लिखते फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी देयर शुड बी इनफ फाइनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी थोड़ा सा जो है इसको भी और अच्छे से जो है आप थोड़ा सा ऐसे तरीके से लिखिए कि देखिए जब डीपीएसपी आया था तो ऐसा माना गया कि देखिए इंडिया में इतना फाइनेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास कि सारे डीपीएसपी जो है जो भी दी हुई है आर्टिकल्स के अंदर वो सारी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण जो है इसको एनफोर्सेबल नहीं किया गया। तो थोड़ा सा आप चीजें चेंज कीजिए, पॉइंट्स हैं आपके पास उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, मतलब लैंग्वेज ऐसी लिखनी चाहिए लगे कि। ठीक है, थर्ड ये लिखते हैं द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट विच कैन बी मिनिमाइज। अब देखिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं एनफोर्सेबल क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इस जो ये सेंटेंस है या फिर ये आपने जो लिखा है इसका मीनिंग इसके साथ मैच नहीं हो रहा। क्यों जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकती, ये आपने लिखा, लेकिन आप यहाँ पे लिख रहे हैं द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट विच कैन बी मिनिमाइज, विच जो मिनिमाइज किया जाए, तो ये थोड़ा सा ये आपने यहाँ पे ये जो है ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द ये जो आप लिखना चाह रहे हैं जो आपने अंडरलाइन किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिस्पाइट सम ऑफ द इश्यू वाइल एनफोर्सिंग द डीपीएसपी दिस कैन हेल्प फॉर, ये थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी लैंग्वेज पे आपको कमांड करनी है, और लैंग्वेज पे कमांड कैसे आएगी आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू और उससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, उससे आपके न्यूज़पेपर से आपके जो आपकी राइटिंग स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, और आंसर तो रोज लिखने हैं आपको। ठीक है, अभी आप देखिए वहां पे बैठे हैं आप 60% पे बैठे हैं, अभी आपको 100% पे जाना है तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, रोज के दो दो तीन तीन आंसर लिखने पड़ेंगे। ये कहते हैं फॉर्मुलेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये कहते हैं डीपीएसपी कैसे हेल्प करती है फॉर्मुलेट करने में पॉलिसी, बिल्कुल सही है, एक तरह से गाइडलाइन एक तरह से टॉर्च दिखाती है ये। ठीक है, गवर्नमेंट को कि किस किस डायरेक्शन में आपको क्या क्या लॉज और जो है वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है। दे एंश्योर द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट, दे एंश्योर। ठीक है, हाँ, डीपीएसपी एंश्योर करती है कि आपने जो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए हैं नहीं जो डीपीएसपी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक ठीक लिखा है यहाँ पे। उसके अलावा ये देख एग्जाम्पल देते टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन SC ST। ठीक है, ये भी ऑफ SC ST होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ SC ST। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखते हैं DPSP आर हेल्प टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज की आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी है, थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, रोज दो तो तीन तीन आंसर लिखेंगे तो आप जो है और बेटर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपके कैसे लाइन जा रही है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेट लाइन में, उससे टीचर को अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपसे ऊपर वाला हो सकता है बहुत अच्छा पेपर लिख गया हो, आपका इंप्रेशन अगर ऐसे पड़ेगा तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस पर। फिर यहाँ लिखते हैं दस डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू एनफोर्स सो दे कॉल्ड, अब देखिए यहां कोल्ड एज आता हार्ट एंड यहां पे एंड आता सोल ऑफ दी, यहां दिया था सोल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर जाएंगे, लेकिन अच्छा है कॉन्सेप्ट ठीक लिखा आपने, थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने लिखा था लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिगार्डिंग, ये कहते हैं व्हाई सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट टर्न्ड इनटू ए बिग जुडिशियल कंट्रोवर्सी कमेंट ऑन द नीड टू फॉलो जुडिशियल डिसिप्लिन। देखिए ये क्वेश्चन ये लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिगार्डिंग है। देखिए पहले हमारा एक लैंड एक्विजिशन एक्ट था जो बहुत पुराना था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और 2013 में चेंजेस किए गए थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम। ठीक है, काफी कंपनसेशन वगैरह बढ़ा दिया था और जो फायदे जो जिनकी जमीन जाती थी उसमें उसके उन लोगों के फायदे जो है कहीं ना कहीं बढ़ा दिए थे। तो ये कह रहे हैं उसके बाद एक तरह से केस निकल के आया जुडिशियरी से रिगार्डिंग, जुडिशियरी का डिसिप्लिन को जो है एनफोर्स करने की जरूरत है, तो क्या केस था वो इसमें इन्होंने डिस्कस किया गया। देखिए क्या कहते हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफ एक्ट ऑफ 2013 रिप्लेस्ड कॉलोनियल एक्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट
लैंड एक्विजिशन एक्ट यहाँ पे आता है, एक्ट ऑफ 1899। दिस कॉलोनियल एक्ट वॉज हैव नो और लेस कंपनसेशन टू ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये कहते हैं कि इस एक्ट में जो है या तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था या फिर लेस कंपनसेशन। ठीक है, लेस की जगह यहाँ पे लिटिल लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिटिल या फिर लेस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट नो कंपनसेशन। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में नो कंपनसेशन था ही नहीं। वो इसलिए था कि देखिए, जब आप कोई भी सरकार अगर किसी काम के लिए लेती है, रोड वगैरह के लिए, ठीक है, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उस केस में जो है नो कंपनसेशन तो कहीं भी नहीं था, कंपनसेशन था कम कंपनसेशन था। ठीक है, तो ये एक बार वेरीफाई कर दीजिए, फैक्ट जितना मुझे याद है ऐसा नहीं था, कंपनसेशन था ही नहीं था। हो सकता है ना हो, लेकिन कुछ ऐसी जो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो चीजें थी उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपनसेशन हो ही ना, किसी की जमीन जा रही और उसको कंपनसेशन ना मिले, कम ज्यादा मिले वो अलग बात है। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके पहले ही उसमें फैक्ट गलत हो गया तो जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट गलत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखते हैं की फीचर ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। ये कहते हैं प्रॉपर कंपनसेशन, इसमें प्रॉपर कंपनसेशन दे दिया दिया कि कितना, 4 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू इन रूरल एरिया एंड 2 टाइम्स ऑफ अर्बन एरिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहते हैं ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर सेटलमेंट टू द लैंड ओनर। ठीक है, यहाँ प्रॉपर सेटलमेंट की जगह ये रिहेबिलिटेशन लिखना था आपको। ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सेटल तो ये वहां पे थे, रीसेटलमेंट किए गए ना इनका। ठीक है, तो ये चीजें आपको न्यूज़पेपर से समझ आएगी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट टू द लैंड ओनर। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं सेक्शन 24(3) सेज दैट इफ ए लैंड एक्विजिशन टेक्स प्लेस बिफोर 2013 एक्ट, इट हैव टू पे कंपनसेशन टू गेट पोजेशन इन 5 ईयर, अदरवाइज ए फ्रेश बिट हैव टू बी स्टार्टेड। ये कहते हैं देखिए, सेक्शन 24(3) है, उसके अंदर लैंड एक्विजिशन 2013, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कंपनसेशन पे करना है 2013 से पहले भी अगर आपने जमीन जो है लैंड एक्वायर की है, तो उसमें जो है आपको अगर जो है उसको कंपनसेशन पुराने वाला ही देना है, और उसमें 5 साल का जो है, 5 साल तक अगर आप पोजेशन नहीं करते तो आपकी जो है उस जमीन की जो लैंड ओनर को जो है बिडिंग दोबारा होगी, और जो बिडिंग जीतेगा उसी हिसाब से जो है उसको मिलेगा। लेकिन ये कहते हैं दिस सेक्शन 24(3) लॉ इज बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 23 ऑफ, ठीक है, यहाँ आता लॉ नहीं है, ट्वेंटी सेक्शन किस लॉ का, ठीक है, ऑफ लॉ इज बोन ऑफ कंटेंशन एंड ए थर्ड थ्री जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2015 फाइंड इट्स एज द वैलिड प्रोविजन, बट दिस जजमेंट वॉज ओवर टर्न बाई अनदर थ्री जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2018। देखिए होता क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर कोई जजमेंट 3 जज ने दिया है, ठीक है, और 3 जज ने कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, कोई भी दे दिया, लेकिन अगर उसको चेंज करना है, ठीक है, ओवर टर्न यानी कि दोबारा कोई और जजमेंट दे रहा है उसमें चेंज करना है, तो इससे हमेशा हायर बेंच ही बैठेगी, तो 5 जजेस बेंच ही बैठ सकती है इसमें। ठीक है, 7 जजेस भी बैठ सकती है, लेकिन हायर बेंच बैठेगी हमेशा। ठीक है, लो या सेम बेंच बैठ के दोबारा जजमेंट नहीं दे सकती, यानी कि 3 जजों ने कोई बात कह दी, दोबारा 3 जजेस जो बैठ के वो चीज नहीं दे सकते। वही चीज है यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 2013 में, 2015 में ऐसे जजमेंट दिया कि ये प्रोविजन ठीक है सेक्शन 24(3), लेकिन फिर से 2018 में 3 जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या किया, इस जो डिसीजन का पहले था उसको ओवरटर्न कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। उसके बाद बताते हैं एज पर द नॉर्म्स ए सिमिलर बेंच कैन नॉट ओवर टर्न द प्रीवियस जजमेंट, दैट इज थ्री जजेज बेंच इन बोथ केसेज, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसीडेंट। ठीक है, तो ये जो एक तरह से जो डॉक्ट्रिन चलती आ रही है उस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। ये कहते हैं टू मेंटेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ए 5 बेंच हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, यानी कि 5 जजेस जो है वो होनी चाहिए थे और अभी वही हुआ है। ये कह रहे हैं अब जो है जुडिशियल जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करना चाहिए। ये कहते हैं टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्यों जरूरत है जुडिशियरी में डिसिप्लिन जो है आना क्यों चाहिए। ये कह रहे हैं इससे क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, तो देखिए इन चीज को हाईलाइट कर दीजिए, क्रेडिबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर बोल सकते हैं जुडिशरी टू फॉलो प्रॉपर नॉर्म्स। ठीक है, जो सेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो नॉर्म्स तो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। उसके बाद टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी ठीक है। ये कहते हैं डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन, तो ये डॉक्ट्रिन जो है ये भी जुडिशियल डिसिप्लिन का ही पार्ट है। अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सी इज दैट द जस्टिस अरुण मिश्रा वाज द पार्ट ऑफ 3 बेंच। ये कह रहे हैं 3 बेंच जजेस का भी पार्ट अरुण मिश्रा था, अभी जो 5 जजेस की बेंच बनी उसमें भी ये कहीं ना कहीं दोबारा जो है इनका नाम लिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जो है प्रॉपर जुडिशरी को करना पड़ेगा। ये लिखते हैं लास्ट में टू मेंटेन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वैल्यू हैव टू बी टेक
वेल यू हैव टू टेक रिफॉर्म एंड स्ट्रिक्टली फॉलो जुडिशियल डिसिप्लिन। तो वे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है इसमें ये पता चलता है कि उनको जो है उनके जो वैल्यूज हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं या फिर उनके अंदर जो है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, टू मेंटेन सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स वैल्यू हैव टू टेक रिफॉर्म। ठीक है, ये यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू हैव टू टेक, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली जो जुडिशियल डिसिप्लिन उसको फॉलो करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कीजिए यहाँ पे। ठीक है, कंक्लूजन आप थोड़ा सा पॉजिटिव दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो रही है, अदरवाइज काफ़ी अच्छा लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला फैक्ट मुझे थोड़ा गलत लगा, और ये जो है रीसेटलमेंट और ये सब, ठीक है, और अदरवाइज जो है पूरा इन्होंने ठीक से ही समझा पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो उन्होंने लिखा था कि मैं जैसे बता रहे थे पिक्चर लेते हैं, तो पिक्चर में देखिए फालतू स्पेस आ गया तो, और क्लैरिटी भी नहीं आई है, तो ध्यान रखिए आपको कैम स्कैनर से लीजिए, ताकि अगर कैम स्कैनर से नहीं लेंगे तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा था जो मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही आंसर देखेंगे, आप दूसरे लोगों का भी देखिए, सीखिए उनसे। आप देखिए एक आंसर लिखेंगे तो उस आंसर को देखिए लोग और कैसे लिख रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा आपको और कैसे इंप्रूव करना है, क्या नई चीज पता चलेगी। तो आपको क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने हैं एक पेपर में, तो हर पेपर हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखिए, किसी में फ्लो चार्ट बना दिया, किसी में पैराग्राफ स्टाइल में किया है, किसी में आपने पॉइंट सिस्टम से किया है, तो उससे एक डाइवर्सिटी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, टीचर जो है बोर नहीं होगा आपके पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया कैन मेक टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, जो हमने कल दिया था क्वेश्चन, इज इन द, ये कहते हैं इज इन द हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, क्वेश्चन यही था कल, हमने जो क्वेश्चन आज डिस्कस करना है कि देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की वही होगी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और सोसाइटल जो प्रोग्रेस है वो तभी होगी जब औरतों के लिए जो वुमेन्स है उसके लिए हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोस्पेक्ट है वो हम अच्छे कर पाएंगे। तो इन्होंने दिखाया, देखिए यहाँ से लिखते हैं द लाइन्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ए नेशन कांट डेवलप प्रॉपरली दैट इज कैन नॉट अचीव प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी विदाउट एम्पावरिंग ए वुमेन। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इन ऑल फेज, ठीक है, ऑल स्फीयर, ठीक है, ऑल स्फीयर, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ऑल्सो, ठीक है, एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। ये कहती है इफ वुमेन्स आर एम्पावर्ड सोशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन एंड प्रॉपर गवर्नमेंट पेइंग जॉब्स। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पे समझ नहीं आया, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम होती है, आपने जो कैम स्कैनर से करते हो तो पूरा समझ आता। ठीक है, शायद इक्वल पे की बात कर रहे हैं, दे कैन बिकेम द पार्ट ऑफ सोशल मेन स्ट्रीम इज इन ट्रू सेंस। ठीक है, बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखा है, और ऐसा कंक्लूजन आप लिखेंगे तो टीचर बिल्कुल अट्रैक्ट होगा आपका आंसर पढ़ने के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश कीजिए, इतना आपको पेज बचाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आप जहाँ 20 पेज लिखते हैं वहाँ 30 पेज लिख देंगे, पेज बचाने की मत सोचिए, थोड़ा सा खुला खुला लिखिए, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप किसी भी टॉपर का आंसर को देखिए, कल हो सकता है मैं टीना डाबी का कोई क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करूंगा, और आप देखिए कितना खुला खुला और स्पेसिस लिखते हैं, तो उससे टीचर खुश हो जाता है। आपको टीचर को ही खुश करना है, मार्क्स तभी मिलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट है एजुकेशन, ये इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट करके क्या फायदा है, ये कहते हैं लिटरेसी रेट बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, वीमेन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन गुड पेइंग जॉब्स, बिल्कुल सही बात है, दे बिकम अवेयर अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर हो गए, यानी कि एम्पावरमेंट होगा उनका कहीं ना कहीं, अवेयरनेस कैन ऑल्सो हेल्प टू कम आउट ऑफ पैट्रियार्कल कल्चर हाउसवाइफ बॉन्डेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, जेंडर गैप विल रिड्यूस इक्वालिटी, रिड्यूस जेंडर गैप विल रिड्यूस इक्वालिटी मस्ट कम इन सोसाइटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, इक्वालिटी को क्यों रिड्यूस करेंगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि जो एम्प्लॉयमेंट फील्ड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश, ये कह रहे हैं एक रिपोर्ट पब्लिश हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहते हैं वुमेन्स आर इक्वली पार्टिसिपेटेड इन वर्कफोर्स, इंडिया जीडीपी रेट कैन ग्रो बाय 27%। बहुत अच्छे यहाँ पे एक फैक्ट बताया, अभी फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए, मुझे परसेंटेज एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये बात मुझे याद आ रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐसा कहा था कि वीमेन भी जो है अगर इक्वली पार्टिसिपेट करेगी तो इंडिया की जीडीपी काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है इंप्रूव करने में मदद करेगी। ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड वुमेन कैन बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये भी अच्छी बात है। बाद में लिखते हैं कि बट दिस आर देयर आर मैनी हर्डल्स टू अचीव दिस गोल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। ठीक है, क्या क्या गोल्स है सोसाइटल प्रोग्रेस में, कहती हैं ये कह रहे हैं कुछ हर्डल्स हैं एंड सोसाइटल इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और सोसाइटल प्रोग्रेस होने में कुछ हर्डल्स हैं, क्या क्या है, वुमेन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, एज मेल मेंबर, ठीक है, इन एग्रीकल्चर फील्ड वीमेन वीमेन फेसिंग डबल बर्डन, ठीक है,
फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये देखिए एक तरह से एग्रीकल्चर के अंदर भी जो टूल्स हैं, ठीक है, वो भी जो विमेन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, मेल मेल को ही जो है ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक इशू है। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विमेन स्पेंड 3,000 आवर्स इन ए फील्ड वाइल ए मेल स्पेंड 2,720, बट ओनली 20% फीमेल हैव लैंड राइट्स। ठीक है, इतना फैक्ट लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं रहते इतने फैक्ट्स जो हैं। याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना पेपर्स होते हैं याद इतने नहीं रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं लैंड राइट्स हैं, वो भी जो है प्रॉपर नहीं है, आज भी 10% के आसपास जो है फीमेल को लैंड राइट्स हैं। उसके अलावा एनएसएसओ के भी डेट ये बताते हैं, एनएसएसओ डेट्स 2011 12 डैश, पता नहीं कितना लिखा है, 95% ऑफ वुमेन वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। हाँ, 95% वुमेन जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, 95 ही होगा, ये 75 भी हो सकता है, आर वेरी लो पेइंग वर्क एंड टू पुश टू वुमेन, ठीक है। मोस्टली जो है लो पेइंग जो है, या फिर वेज इनक्वालिटी यहाँ पे लिख सकते हैं, इन स्पेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल हरासमेंट ये सब होता है। ये बाद में लिखते हैं रीजनल बेस्ड वेरिएशन इन एजुकेशन स्फीयर ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। बीमारू स्टेट हैव वेरी लो लिटरेसी, ठीक है। बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट के बारे में आपने सुना है, बिहार, एमपी, ठीक है। तो ये तीन चार स्टेट्स आते हैं बीमारू स्टेट में, ये पहले एक टर्म दी गई थी, यानी कि ये स्टेट बीमार, मतलब एक तरह से इनका सोशली और इकोनॉमिकल जो है प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कोट कर दिया। लास्ट में ये लिखते हैं कि जनरेट जनरेट एज पर एस्पिरेशन अमंग अदर गर्ल्स, देखिए पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस तरह आप लिखेंगे तो, यानी कि भेजेंगे मुझे तो थोड़ा इशू होगा, बेटर है कि आप कैम स्कैनर से भेजिए। आज तो मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चेक करने में जो मजा नहीं आएगा, जो वीडियो देख रहा है उसको भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो लर्न क्या करेगा, कोई कोई अगर 30 मिनट की वीडियो देख रहा है तो उसको लर्न करना जरूरी है, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए, ठीक है। जनरेट एस्पिरेशन अमंग द अदर गर्ल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर वीमेन, प्रायोरिटाइज द नीड इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गुड स्टेप, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर परसेंटेज इन बजट एंड ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच आर वेरी लो कम्पेयर टू अदर नेशन, ठीक है। सो देर इज नीड ऑफ आर टू इम्प्लीमेंट एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स स्कीम्स गोइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर अचीविंग इकोनॉमिकल प्रोस्पैरिटी। ये सब अच्छा लिखा है, बस थोड़ा सा जो है कोशिश कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और जो है स्पेसिस थोड़ा स्पेस दे के लिखिए, इतना आपको जो है बिल्कुल दबा वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी बताया, लेकिन आपने इसमें पहले वाले में काफ़ी फैक्ट दिए हो, आप वो फैक्ट उठाना चाहें उठा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही इतने फैक्ट किसी को याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक भी लिखेंगे ना तो भी मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन यही था कि देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में तभी होगी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और सोसाइटल प्रोग्रेस, जब कब होगी, जब हायर एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर वीमेन का जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो देखिए आप कैसे भी जो है, इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अलावा देखिए ये भी दे सकते हैं हायर एजुकेशन इज द गेटवे टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली फॉर वुमेन इन कंट्री। तो हायर एजुकेशन लिंक कर दिया कि इकोनॉमिकली तो सिक्योरिटी मिलेगी और एक वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा मैन एंड वुमेन आर टू व्हील्स ऑफ सोसाइटी, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मैन और वुमेन जो है दो, एक सोसाइटी के दो व्हील हैं, और दोनों व्हील अगर स्ट्रोंग होंगे तभी सोसाइटी या फिर एक कंट्री जो है प्रोग्रेस करती है। या ये भी लिख सकते हैं, ये चाइना के जो चेयरमैन थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी वहां की, ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा था वुमेन होल्ड द हाफ, वुमेन होल्ड हाफ द स्काई, ठीक है, आधे आसमान को जो है वुमेन ही होल्ड करती है, यानी कि हमारी 50% तो वुमेन ही है, 50% वुमेन, 50% मेल, मेल है फीमेल है, तो अगर इनको एम्पावर नहीं करेंगे फीमेल को तो कैसे देश प्रोग्रेस करेगा। और 1970s और 80s में ये चीज़ जो है चाइना को समझ आ गई थी, तो उन्होंने जो है एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया, और आज जो है कहीं ना कहीं चाइना की प्रोग्रेस डिपेंड करती है उनकी वुमेन की जो एम्पावरमेंट हुआ है उसकी वजह से। तो ये भी लिख सकते हैं इंट्रो में या कंक्लूजन में, ये भी लिख सकते हैं इफ़ यू एजुकेट ए मैन देन यू एजुकेट ए पर्सन, अगर आप किसी आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक सिर्फ इंसान को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन आप एक औरत को एजुकेट कर रहे हैं तो आप पूरे देश को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक औरत जो होती है वो अपने बच्चों के अंदर भी, ठीक है, उसके बच्चों के अंदर भी, आसपास की सोसाइटी में बहुत जगह उसके एजुकेशन का जो है फायदा होता है। तो ये चार इस तरह की चीजें याद कर लीजिए, कहीं भी आपको एसे में भी काम आएगी, पेपर 4 में भी काम आएंगी, और हर जगह ये काम आएंगी, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड बता दीजिए, हायर एजुकेशन की बात हुई तो हायर एजुकेशन में ट्रेंड क्या है, देखिए एनरोलमेंट तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी नंबर्स की बात करें तो आज भी बहुत कम नंबर्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं सिर्फ 29% वीमेन है जो वर्कफोर्स के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि 30% के अप्रोक्स याद रखिए,
ठीक है, 30% वीमेन है और 70% मेल है, तो आज भी कितना प्रोस्पेक्ट है, यानी कि कितना हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, करीबन जो है 50% इंक्रीज करने की, सॉरी 50 नहीं 80% इंक्रीज करने की जरूरत है करीबन, अगर 50% पे पहुंचना है तो, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। बेनिफिट क्या होगा हायर एजुकेशन का, ये आप बता सकते हैं। देखिए लेट मैरिजेज होंगी, बच्चे कम होंगे, बच्चे कम होंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आएंगे फील्ड में, तो इंप्रूवमेंट होगा हेल्थ केयर में, रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं, अगर औरत जो है हायर एजुकेशन लेती है तो उसकी सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी उनकी, ठीक है। और हायर एजुकेशन ही किस पे जो है और डिपेंड करता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है इम्प्रूव करना है तो किस क्या होगा, हायर एजुकेशन अच्छी होगी तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट के जो प्रोस्पेक्टिव है खुल जाएंगे। देखिए एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छे से मिलेगी औरतों को तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा है, यानी कि काम करने वाले लोग जो हैं उनकी जो है पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, इंडिया की GDP बढ़ेगी, एम्पावरमेंट होगा, फैमिली का एम्पावरमेंट होगा, एडिशनल इनकम आएगी, फ्रेश टैलेंट देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। आप कुछ हर्डल्स भी लिख सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स है जिसकी वजह से जो औरतें हैं वो एजुकेशन और जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आ पाती, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, बहुत सिंपल बात, स्किल्स की कमी है, वेज डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, सेफर वर्क वर्क फोर्स या वर्क प्लेस आता है यहाँ पे, ठीक है, वर्क प्लेस सेफर जो होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए, ये कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए डबल केयर जो है ड्यूअल बर्डन होता है एक तरह से औरत के ऊपर, घर का भी काम करना है, बाहर का भी, या फिर जब जॉब करती है, तो इस तरह की चीजें ये हर्डल्स हैं, इनको जो है इनको भी गवर्नमेंट को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चाहे इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाए, ठीक है, या फिर नए नए जो, ये आपको पता है देखिए काफी जो चीजें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के जो आंदोलन वगैरह चले थे, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को संकेत देता है, गवर्नमेंट जो है काफी कोशिश कर रही है और भी करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने ई कॉमर्स से रिगार्डिंग आपसे, मैंने पूछा था ई कॉमर्स सेक्टर हैज सक्सेस हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड इन इंडिया, दस डिमांड ए चेंज इन द अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, तो एक डिमांड है कि देखिए इसमें कुछ पॉलिसी आनी चाहिए, अभी इतनी कोई पॉलिसी है नहीं हमारे यहाँ पे कि कैसे ई कॉमर्स के बिजनेस को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना था। तो पहले क्या करेंगे, ई कॉमर्स को आप समझा दीजिए, इंट्रो आप दीजिए, ई कॉमर्स दैट एनेबल्स ए फर्म और इंडिविजुअल टू कंडक्ट बिजनेस ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क टिपिकली द इंटरनेट, ठीक है, इस तरह इंट्रोडक्शन देके अपनी उसमें दे सकते हैं। अब देखिए ई कॉमर्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं, फिर आप लिख सकते हैं कि देखिए ऐसे इश्यू आते हैं, फ्रॉड बहुत देखने को मिलता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस देखने को मिलती है, लेजिटिमेट राइट्स नहीं, काफी बार जो है प्रोटेक्ट लेजिटिमेट राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सब इश्यूज है, इसलिए हमें पॉलिसीज की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि देखिए इंडिया के अंदर जो है स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलरिटी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के आने कारण से ई कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप आज भी देखिए कोई मेरे हिसाब से एजुकेटेड इंसान होगा जो इस चीज से जो है अछूता रह पाया होगा कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ना करता हो, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि इंडिया का जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो 2034 तक जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स नेटवर्क हो जाएगा, शायद ये यूएस जो है अभी नंबर वन पे है, तो हम शायद नंबर टू पे आ जाएंगे 2034 तक, और यही हाल चलता रहा तो जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, तो ये सब फैक्ट आप याद रखिए, ये बहुत इजी फैक्ट्स है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिख रहा है, यह लिख सकते हैं आपको 34 याद नहीं है, ठीक है, तो ये आप एप्रोक्स लिख सकते हैं नियर अबाउट 2030, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें पक्का किसी को थोड़ी पता है 2034 में हम क्रॉस कर लेंगे, एक अंदाजा है, तो आप 2030 के आसपास लिख सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज भी लेके आई है, यानी कि कुछ प्रपोज या ड्राफ्ट पॉलिसीज लेके आई है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिसीज कैसे हेल्प करेंगी। ये कहते हैं कि देखिए कंज्यूमर की रिटर्न पॉलिसी इसमें प्रॉपर है, सेलर की क्या डिटेल है, जो सेलर भेज रहा है उसकी डिटेल, ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट होगा, जो है ग्रीवांस रिड्रेसल होगा कोई भी इशू आता है, फेयर ट्रेड फेयर प्राइस जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो फेयर रहेगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जाएगा, फॉल्स रिव्यूज जो है, रिव्यूज आप बहुत बार देखते हैं कि 5 स्टार दिए 4 स्टार दिए, तो फॉल्स रिव्यूज होते हैं उनको भी किसी तरह रोका जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या इश्यूज है, ये आप इश्यूज भी लिखते हैं, ये तो नॉर्मल है सबको याद रहेंगे इश्यूज, लेकिन ये इश्यूज जो है आप लिखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, आपको एक मार्क्स ज्यादा मिलेगा। देखिए डेटा लोकलाइजेशन, आप जब ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप में आप देखिए क्या क्या दे रहे हैं, आप जो है उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, नंबर वन चीज। नंबर उसमें चीज आप अपना नाम अपना एड्रेस सब चीजें दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, तो आपका आपका कहीं ना कहीं डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपका प्राइवेट डेटा है, वो कहीं ना कहीं सारा जो है इन ऐप के पास जा रहा है, इन जो ई कॉमर्स जो सेक्टर के अंदर काम कर रही है जो भी कंपनियां उनके पास जा रहा है, तो जो डेटा है अगर ये बाहर जाता है तो हमारा भी कितना डेटा लीक हो जाएगा, आपका नाम डेट ऑफ बर्थ आपकी एज सब कुछ जो है आपका एड्रेस सब कुछ दूसरा हो, तो उस
उन चीजों को गलत यूज किया जा सकता है। तो इंडिया चाहती है, इंडिया को होना चाहिए कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, कि जो डेटा यहाँ पे है वो यहीं पे स्टोर हो। सेकेंड है लोकल वेंडर। देखिए लोकल वेंडर के काफी इश्यूज रहते हैं, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको पता है गली के अंदर एक एक दो दो तीन तीन शॉप्स होती हैं, लेकिन आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे तो जो लोकल वेंडर हैं उनको बहुत लॉस हो रहा है। इस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, देखिए कि उन ऑफर्स, जब दिवाली का ऑफर है, दिवाली के ऑफर में क्या होगा, बाहर से आप शॉपिंग करेंगे आपको लगेगा कि काफी बेनिफिट हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, जो है आप शर्ट खरीदेंगे ठीक है, लेकिन शर्ट आपको मिलेगी मान लो 1500 रुपए की शर्ट है, और वो आपको डिस्काउंट में दिखाएंगे 500 रुपए का डिस्काउंट, आपको 1000 मिली, तो ये 1000 में एक्चुअली 1500 प्राइस नहीं था, इसका प्राइस ही 1000 था, उन्होंने बढ़ा के 1500 करके आपको डिस्काउंट दिखा देते हैं ठीक है। रिसेंट अभी मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ है, ये सबके साथ होती रहती है चीजें। तो उसके बाद भी 1000 में जो है वो आपको सेकेंड कॉपी थर्ड कॉपी दी जाती है ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड होती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। लोग उसके बाद, ये तो है मार्केट ओवर पावर्ड, इसमें क्या होगा आपको लुभा लिया जाता है, आप जो है बाहर से शॉपिंग करने के बजाय ऑनलाइन ही करने लगते हो, तो इससे जो लोकल वेंडर है उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये भी इतना बड़ा मार्केट प्लेस है, अगर सोचो दिवाली के टाइम में ये थोड़ा बहुत लॉस ले भी ले और एंटायर पूरे ईयर ये फायदा उठाते रहे, तो उससे जो लोकल मार्केट जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उनका भी चीजों का ध्यान रखना है। साथ में इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी इन्वेस्टर्स जो है उनका इंटरेस्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए अभी इंडिया ने कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए कि इंडिया के अंदर जो ये ई कॉमर्स साइट्स है, आपने अगर पढ़ा है न्यूज़पेपर तो आपको पता होगा कि जो ये साइट्स है इनको अलाउ किया कि आप जो है अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, यानी कि आप ये नहीं कि अपना ही गोदाम रखा और वहीं से आप बेच रहे हैं तो आप सस्ता बेचेंगे, आपको क्या, आप एक लिंक हो, कोई बेचना चाहता है कोई खरीदना चाहता है, यू आर जस्ट ए लिंक बिटवीन बोथ द एंटिटीज, तो आप ये लिंक को ब्रेक नहीं करेंगे, आप जो बिजनेस बिजनेस वाला जो मॉडल है वो अभी नहीं अपनाएंगे, तो इससे इन्वेस्टर्स जो है वो काफी जो है खफा है। और यूएस भी जो है, यूएस भी हमारे, देखिए ये लॉज आने के बाद ही यूएस के जो, आपको पता है एक पॉलिसी है वहाँ पे चलती थी कि हमारे बहुत से आइटम्स जो हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं लगती, तो वो भी जो है हटा लिया गया ठीक है, तो ये भी इसलिए कारण हुआ है। उसके बाद मार्केट ओवर पार्ट, ये मैंने बता ही दिया कि देखिए इतना ये सस्ते में बेचने लग जाते हैं कि एक बार जो है पूरा कैप्चर कर लेते हैं मार्केट को, जैसे ये रिलायंस वगैरह के होते हैं, ये मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो ये सब जो पॉलिसीज हैं इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कितनी चीज़ें, 250 वर्ड में कितना चीज़ आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ये कल हम डिस्कस करेंगे। द कॉज ऑफ सेडिशन इज ऑलवेज फाइंड इन इनक्वालिटी, आप भेजिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप कैम स्कैनर से भेजिए, क्योंकि अगर मजा नहीं आएगा जो पढ़ रहे हैं वीडियोज, ये मैं जो है अच्छे से, अगर मुझे ही समझ नहीं आ रहा आपने वर्ड क्या लिखा है तो आपकी कमियां कैसे निकलेंगी ठीक है। कमियां निकालनी, एक एक दो दो कमी हर इंसान में, देखिए चार पांच ही कमी होगी, और एक एक दो दो इंप्रूव करते हुए सारी कमी उसके रिमूव हो जाएगी, और उसके अपने आप जो है ऑटोमेटिकली वो इंप्रूव कर जाएगा ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।